आशुतोष अग्रदानी मेरे इष्ट और आराध्य की असीम अनुपमता से षड्दिन साध्य हनुमंत कथा ज्ञान महोत्सव में पधारे हुए सभी श्रोता मेरी माता योजना वडिल बुजुर्ग आप सबका इस सत्र के तृतीय दिन में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करते हैं। गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिन्तये वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणः। दोनों को थोड़ा थोड़ा कम कर दे ऐसा लगता है, थोड़ा ज्यादा हवा जा रहा है। पढ़ दो पड़े थोड़ा ऊंचू करना, बनने थोड़ा ऊंचा करना, पढ़ दो पड़े से तो गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिन्तये वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणः। पहले दिन हमने बात की थी, थोड़ी इधर उधर की बात करने का प्रयास किया था, थोड़ा सेल्फ असेसमेंट करने का प्रयास किया था। तो यहाँ सूत्रकार कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि गते शोको न कर्तव्य, जो गया उसका शोक क्या करना। कल हमारे पास जो भी था या नहीं था, मगर कल हमारी चली गई, वो कभी भी वापस आने वाली नहीं है। तो कल का दिन चला गया, yesterday is gone। कितनी भी उसकी बातें करे, चर्चा करे, हमको ये मिला था, वो मिला था, वो जो भी था, मगर वो आज नहीं है। गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिन्तये, या तो हम पास्ट में होते हैं या तो हम हमारे भविष्य का चिंतन करते हैं। तो भविष्य की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न जानू जान के नाते सवारे शुंभवानु। कल क्या होगा, काल के गर्भ में क्या छिपा है, कोई नहीं जानता। तो बचा क्या है, Yesterday is gone, tomorrow has not yet come। कल हमको ये मिलने वाला है, इतना रुपया आने वाला है, ये होने वाला है, मगर हमारी कल हुई नहीं है, हमारी कल अभी बाकी है। पर tomorrow not has not yet come, वो अभी आई नहीं है। So we have only today। हम आज के राजा हैं, आज जो भी करना चाहते हैं, भजन संकीर्तन सत्संग संकल्प सेवा साधना नाम स्मरण, जो भी हमारे हाथ में है, यथाशक्ति यथा मति यथा द्रव्य, जो भी है भगवान ने जो भी दिया है, उनसे आज कर सकते, पास्ट में नहीं कर सकते और भविष्य में भी नहीं कर सकते। जब हम करते हैं तब हमारा वर्तमान होता है। संकल्प कर सकते आप कि प्रभु हम ये करेंगे, तेरी इच्छा होगी तो ये पूर्ण होगा, वरना संकल्प संकल्प रह जाता है। तो बुद्ध पुरुष वो है, ज्ञानी पुरुष वो है, समझदार व्यक्ति वो है जो आज का मजा ले ले, पास्ट के चिंतन से या तो फ्यूचर के चिंतन में अपना वर्तमान को न बिगाड़े। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ती विचक्षणा, विचक्षण व्यक्ति वो है जो अपना वर्तमान सुधारने का प्रयास करता है, और जिसका वर्तमान सुधर जाता है उसका भविष्य स्वयंभू सुधर जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में, तो भाग्य डेस्टिनी, डेस्टिनी का रॉ मटेरियल है वर्तमान। आज आपने क्या बोया है, आज आपने खनन किया, माटी को खोदा, मगर बीज कौन सा डाला है, बस उस बीज के ऊपर आपका भविष्य आपका फ्यूचर। तो आज ये समय है कि आज जो भी बोलना चाहते वो बोलो। तो भगवान हनुमान जी महाराज के अनुराग से, उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से हम षड्दिन साध्य
हनुमंत कथा ज्ञान यज्ञ में आज तीसरे दिन का आरंभ करते हैं। तो हम पहुंचे थे, आपको शायद पता होगा, नौवें दिन। नौवा आठवा गा लिया था, नौवें तक पहुंचे थे। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय। हनुमान जी ने पूरी तरह से पहले से शुरुआत कर दी। कल आज जो नया श्रोता उनको पता चल जाएगा कि हनुमान जी महाराज बैठे थे, जामवंत जी ने उसको जगाया कि कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो ताप तुम बाही। राम का आज लगी तब अवतारा, राम के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ। राम जी ने कनक वरण किया, बड़ा स्वरूप धारण किया, छलांग लगाई, वो पर्वत नीचे पाताल में चला गया। हनुमान जी उड़े दुनिया मोह रघुपति कर बाना, यही बाती चले वो हनुमाना। मैनाक पर्वत आया, सुरसा मिली, अहिं के माता आई, सबसे भेद कर आगे निकल गए। लंका की चोटी पे आ गए, वहां लंका का दर्शन किया। कनक कोट विचित्र मणिकृत लंकिनी मिली, मशक समान रूप कभी धरी, लंका ही चली सुमीरी नर हरी। लंका के अंदर प्रवेश किया मगर पकड़े गए, लंकिनी को मुठी का एक महाकवि हनी रुधिर बमन धरणी धनमणि। लंकिनी को मारा, लंकी को लंकिनी से मुंह से लहू निकल गया। लंकिनी ने कहा कि आज मेरा भाग्य देव हो गया कि आपके दर्शन हो गए। विकल होश थे कपि के मारे तब जानिसु निशिचर संधारे, मेरी मुक्ति हो गई आप मेरे से सत्संग कीजिए। ताक स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुला एक अंग, तूलन दाही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग किया प्रभु अंदर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा देखे जहां तह अग्रिम जोधा। मंदिर मंदिर में देखा मगर लंका सुवर्ण की लंका में कहीं पर भगवती नहीं मिली। एक अद्भुत घर दिखाई दिया जिसमें तुलसी के वृक्ष थे और रामायुध था, रामायुध अंकित गृह शोभा बरने में जाई। नव तुलसी का वृत कहा देखी हर्ष कबीराई। फिर सोचा कि ये तो निशाचरों का निवास, यहाँ सज्जन हो नहीं सकता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन का निवासा। उस समय विभीषण जागे, एक दूसरे से मुलाकात हुई। अब मोहि बा परोस हनुमंता, जगह प्रसिद्ध चौपाई यहाँ निकल के आई। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा तो तुम मोहु दरसु हटि बिना। सीता जी कहाँ रहती है वो रास्ता बताए। जगती सभी प्रकार की जुक्ति बताई। उन्हें लघु रूप पवन सुखलिन्हा, उन्हें लघु रूप धारण किया और अशोक वाटिका में अशोक वन में तरु पल्लव महारहा लुकाई। करई विचार करो का भाई, मन ही मन प्रणाम किया और देखा तो भगवती का दर्शन किया। कुछ तनु शीश जटा एक बहनी, दुर्बल देह हो गया है उसका, आंखों के सामने देखा तो भगवती किसी से नजर नहीं मिला रही है। भगवती का दृष्टि अपने पैरों के ऊपर है। अब नीचे बदन न दिए राम पद कमल लीन, कलम ये गा लिया आठवा। परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी, दीन है दुखी है और उसकी दृष्टि अपने खुद के पैरों के ऊपर। अब तरु पल्लव महारहा लुकाई, हनुमान जी महाराज देख रहे कि क्या करूं क्या करूं। उसमें रावण अपनी सहेलियों के साथ आया और कहा कि तू मेरा कहां मान जा, मंदोदरी आदि सब रानी के साथ आया
तब अनुचरी करो कनमोरा एक बार बिलकुम मोरा, मेरे सामने न देख तो मेरी ओरा को देख। मगर सीता जी ने धमकी दे दी कि सठ सुने हरि आ नहीं मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। यहां तक हमने कर दिया, नौवां आपने गा लिया है तो उसका गायन चलो कर ही लेते हैं, खुद रुकती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप ही सुनी खज्योत सम राम ही बानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोलाती खिसिया, सीता ते मैं कत अपमाना, कति अवतव सिर कति न कृपाना, नाहि सबरि मा तू मम बानी, तुमुखी होत नत जीवन हा, श्याम सरोज नाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कन, सो भुज कंठ की तव असि गोरा, सुन सत प्रवान पन मोरा, चंद्रहास हर मम परिताप, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल मिकित बहसि वरदारा, कह सीता हर मम दुख बारा, सुनय तनय पुनि मारन दावा, मय तनया कहि नीति बुझावा, कह सीता कल निसि चरण बुलाइ, सीतहि बहु विधि त्रास हु जाइ, मास दिहत महु कहान मान, तो मैं मान बिकाडि कृपान, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु। सीता जी ने रावण को धमकी दी कि सठ सुने, सुन ले मेरी बात, सठ सुने हरि आने ही मोहि, मेरे हरि को प्रभु राम को आने दे, अधम निलज्ज लाज नहीं तो, मेरे प्रभु राम जी आएंगे तो तुझे पदार्थ पाठ बोध पाठ कराएंगे। और जब रावण को खज्जूत कहा, जुगनू कहा, आप ही सुनी खज्जूत सम राम ही भानु समान, राम सूर्यवंशी सूर्य है और तू तो खज्जूत है जुगनू है, ऐसा कहा, तब रावण को बहुत गलत लग गया, गुजरात में खोट लगी, कई लोग है वो उसको तो गलत लग जाता, न बुलाओ ऐसा जल्दी में कुछ, ये रावण उस प्रकृति का है, उसको अटेंशन नहीं दे तो उसको गलत लग जाता है, और वास्तविकता अच्छी नहीं होती। कोई हमको सही चित्र आईना दिखा दे तो हमको बड़ा कष्ट होता है, यहां सीता जी ने रावण को आईना बताया कि तू खज्जूत है, प्रभु राम के सामने तेरी कोई हैसियत नहीं। अब रावण ने गुस्सा किया, परुष वचन सुनि काढ़ी असि बोला अति खिसिया, और हंसते लगा, ये भगवती के वचनों को गंभीरता से लेना चाहिए, उसकी जगह उसको गंभीरता से ले, मगर उसने इस बात को हंसी में निकाल दिया। कई लोग ऐसे होते हैं जबरदस्त बात उसको बोली जाती है मगर वो हंसी मजाक में उड़ा देता है, रावण ने भगवती की बात को, माँ की बात को हंसी में निकाल दिया और क्रोध करने लगा, खिजने लग खिजाए, गुस्सा करके बोला कि सीता ते मैं कृत अपमान, सीता जी आपने मेरा अपमान किया, मैं आपका शिरच्छेद कर दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, कटियहु तव सिर कठिन कृपाण, मैं कृपाण निकाली, सीता जी बस करो, मैं आपका शिरच्छेद कर दूंगा, नाही तो सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन, हे सुमुखी अत्यंत सुंदर स्त्री, मेरी बात मान ले वरना तुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़े, सुमुखी होती नत जीवन हानि, तू सुंदरी है इसलिए मैं तुझे मार नहीं सकता, वरना मैं कब का तुझे मार देता, इतना अपमान मैं कभी सहन नहीं करता।
श्याम सरोज नाम सब सुंदर प्रभु कुछ करी कर समग सकंदर। ये अद्भुत पंक्तियां है। हे दशग्रीव प्रभु की भुजा श्याम कमल की तरफ सुंदर है और प्रभु की भुजा से ही मेरे अंगों में कमल की माला पहनी जाएंगी, तेरे हाथों से नहीं, और तू चाहे तो मुझे मार सकता है मगर मेरा प्राण है सुरसत अस प्रवान तन मोरे। कभी भी मेरे अंगों के ऊपर माला पड़ेगी तो प्रभु राम के हाथों से ही। चंद्रहास हर मम परितापम। रघुपति अभी भगवान राम जी का स्मरण करती है, रावण चला गया, नहीं रावण वहां खड़ा है। चंद्रहास का अर्थ होता है तलवार।